रायसेन जिले के मनीडीप में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को 65.53 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। बता दें कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडीदीप में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकास की जो गति दी है उसे कम नहीं होने देंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि भोजपुर विधानसभा और विदिशा लोकसभा पर महादेव का विशेष आशीर्वाद है। सीएम ने कहा, जहां एक ओर भोजपुर में विश्व प्रसिद्ध विशाल शिवलिंग स्थापित है जो हमारी स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर विदिशा लोकसभा का पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। अब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा को नेतृत्व करेंगे। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका संबंध आता, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का संबंध आता, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन विदिशा इधर से उधर नहीं हो सकती। विदिशा अपनी जगह मुकाम पे रहती है, ये हम सबका सौभाग्य भी, और उसके नेतृत्वकर्ता भी सुषमा स्वराज जी, माननीय शिवराज सिंह जी, और ये विधानसभा और आगे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, 84 में सब साफ हो गए लेकिन माननीय पटवाजी ने अपना परचम लहराया जोरदार अभियान में पटवाजी के जमाने काल, चार चार बार इस विधानसभा को गौरवान्वित किया और लगातार उसी परंपरा को कायम करते हुए माननीय शिवराज सिंह जी राजा जब हमारे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद अद्वितीय रूप से काम किया, बच्चा बच्चा और हम सब मिलकर के, एक हमारे यहाँ बाबा महाकाल का अच्छा मंत्र बोलते, भाई साहब आपकी राशि और मेरी राशि मिलती हुई है, वो राशि में एक मंत्र बोलते भगवान भोलेनाथ का दर्शन करो तो वो विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है, तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः ये मंत्र बोलो, भगवान बहुत भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, शिव जी को याद करो, कृष्ण जी को याद करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लगातार ये क्रम हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है और आपका अनुज होने के नाते से निश्चित रूप से जो जो काम आपने छोड़े वो प्रत्येक काम को पूरा करूंगा, इस काम में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जो काम आपने दिया, एक बीमारू राज्य से निकाल करके आपने एक देश के अंदर बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, सरकार चलाते चलाते कई सारे संघर्षों के बाद सब क्षेत्रों में सड़क बिजली पानी नवीन अधोसंरचनाएं नवीन प्रकार के प्रयोग, और ऐसे में मध्य प्रदेश को जिस मुकाम पे छोड़ा है मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे, निश्चित आपकी भावना का सम्मान करेंगे। भारत रत्न अटल